प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का 8 सितंबर को करेंगे उद्घाटन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम, बोली मुक्ति संग्राम के लिए भारतीयों का आभार। हमें एक साथ मिल जाए तो दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 को लेकर दिया बड़ा बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ली स्ट्रेस को उनके चुनाव जीतने पर दी बधाई, कहा उनके नेतृत्व में हमारी साझेदारी होगी मजबूत। सुरेश रैना ने घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास, नहीं खेलेंगे आईपीएल, अन्य लीगों में खेलते आएंगे नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। लखनऊ में योगी सरकार कैबिनेट बैठक की गई जिसमें 15 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2.0 की सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। वहीं इस बैठक में अलीगढ़ नगर निगम के सीमा विस्तार की मंजूरी मिली और 19 सितंबर मानसून सत्र भी शुरू किया जाएगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बड़खल और फरीदाबाद के एसडीएम ऑफिस समेत कई कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान काफी कर्मचारी ड्यूटी से नादारद मिले। इसके साथ ही सीएम उड़न दस्ते ने हाजिरी के रजिस्टर और डाटा भी चेक किया। वहीं पर जो भी कर्मचारी ड्यूटी से नादारद मिले उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा सकती है। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की आज 3 टीम्स बनाई गई थी और उन्होंने उपमंडल अधिकारी के कार्यालय जो बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बड़खल तीनों जगह औचक निरीक्षण किया गया था सुबह के। सभी कर्मचारी और अधिकारी समय पे आ रहे हैं नहीं तो वहाँ जाके एक तो ये पता चला कि सभी जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो उसका रिकॉर्ड तो एनआईसी के पास होता ही है तो वहाँ से भी कलेक्ट किया जाएगा। और फिजिकली भी जो एम्प्लाई जितने बजे आए हैं उनकी एक रिपोर्ट बनाई गई है और वो रिपोर्ट हम ऊपर अपने सीनियर्स को सबमिट करेंगे, जो भी एक्शन होगा उस लेवल पे फिर होगा। ड्यूटी पे नादारद मिले हैं मनोज, कई कर्मचारी अपने ड्यूटी से नादारद मिले हैं उड़न तस्री में, ये बताया गया है। की जाए तो सीएम फ्लाइंग की तरफ से आज सुबह के समय तक कार्रवाई की है। जो अधिकारी लेट अपने ऑफिस में पहुंचते हैं कहीं ना कहीं उनका जो रजिस्टर है, हाजिरी कार्ड है, हाजिरी स्थल है, उसको सीएम फ्लाइंग की तरफ से खंगाल जा रहे हैं और उन अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई है जो सफर नहीं पहुंचते, क्योंकि आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं कि अधिकारी नहीं मिलते और आम लोग भी काम काज के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अधिकारी लेट आते हैं और हाजिरी लगाई अपना चले गए, लोग भी परेशान रहते हैं। उसकी शिकायतें कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही थी फरीदाबाद में, जिसको लेकर आज जो तीनों जो जून है उनके अंदर जो अधिकार सीएम फ्लाइंग की जो कार्रवाई है वो तीनों डिपार्टमेंट में की गई है। जी तो इन लोगों पर क्या एक्शन लिया जाएगा? सीएम फ्लाइंग की तरफ से अभी इनकी लिस्ट बनाई गई है, जो अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे उनकी लिस्ट अलग से बनाई गई है और आगे अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद भी उन पर कहीं ना कहीं जो उचित कार्रवाई उनके ऊपर भी हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो नौकरी की है अगर बात की जाए तो वो उस पर भी गाज करने की पूरी नौबत आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका।
सीतापुर में प्रशासन की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक के गिलास और पॉलीथीन ट्रांसपोर्ट के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 35 क्विंटल की सिंगल यूज प्लास्टिक का माल जब्त कर लिया गया। ये लगभग 9:50 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। कल मैंने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। पुलिस प्रशासन तत्काल फिर जो है जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया और उसके बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। इसमें लगभग जो है एक चतुर्वेदी ट्रांसपोर्ट और यादव ट्रांसपोर्ट दो लोग का नाम सामने आया है। चतुर्वेदी ट्रांसपोर्ट से लगभग 1800 किलोग्राम की पॉलीथीन और यादव ट्रांसपोर्ट से लगभग 1500 किलोग्राम की सिंगल यूज प्लास्टिक को 3300 किलोग्राम के लगभग यानी 33 क्विंटल की सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया। हमीरपुर सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पदरी गांव में सरकारी एम्बुलेंस चालक ने प्रसव के लिए जा रही महिला को बीच जंगल में एम्बुलेंस से उतार दिया। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस चालक ने महिला से 1000 रुपए की सुविधा शुल्क मांगी। महिला ने नहीं दिया तो एम्बुलेंस से महिला को उतार दिया। क्या घटना हुई यहाँ? यहाँ मरीज को यहीं छोड़ दिया। वो क्या घटना हुई, 1000 रुपया होता तो अस्पताल पहुँचा देते, और जब उनके पास 1000 रुपया नहीं तो अस्पताल नहीं पहुँचे। किसने मांगे थे 1000 रुपये? वो गाड़ी में जो अधिकारी बैठता है, गाड़ी चालक, एम्बुलेंस वाले ने। अच्छा, क्या बोल रहे थे? कहते थे 1000 रुपया दो तो मैं मोहर छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। तो यहीं बीच सड़क पर छोड़ दिया? किस जगह पर छोड़ा? ये जगह कौन सी? इसी जगह है। ऐसे में हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, गर्भवती महिला को बीच सड़क पर उतार दिया गया 1000 रुपए के लिए, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदनी जी, ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पंगरी इलाके का बताया जा रहा है। ये मामला कल का है जो है। यहाँ पे एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस द्वारा को अस्पताल में लिया जा रहा था, जब रास्ते में उसने एम्बुलेंस चालक ने महिला से और उनके परिवारजनों से 1000 रुपए की मांग करी, जिसके बाद परिवारजनों ने जब 1000 रुपए देने से मना किया तो जिसके बाद चालक ने गर्भवती महिला को रास्ते में ही छोड़कर वो वहां से जो है भाग निकला। जिसके बाद महिला वहां कम से कम 2 से 3 घंटे तक वहां अपने दर्द से कराहती रही। इसके बाद किसी तरीके से उनके परिजन उसको जो है यहाँ के स्थानीय अस्पताल पर लेकर पहुंचे, जहाँ उसका सुरक्षित प्रसव हुआ है। जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पे? स्वास्थ्य विभाग की अगर एक्शन की बात करी जाए तो ये जिले में कोई ये पहला मामला नहीं है। जिले में इससे पूर्व भी ऐसे तमाम सारे प्रकरण सामने आते रहते हैं, जिसमें कहीं आता तो कहीं स्टाफ नर्स द्वारा कभी डिलीवरी कराने के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं तो कभी किसी नाम पे पैसे मांगते। तो ये स्वास्थ्य विभाग का कोई पहला कारनामा नहीं है। हालांकि जो यहाँ के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक है, वो समय समय पर तमाम सारी सुविधाओं के लिए यहाँ के उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उनके दिशा निर्देश का यहाँ धरातल पर कोई खासा जो रुख नजर नहीं आता है, जिससे यहाँ के जो छोटे कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स हों, चाहे आशा हों, चाहे छोटे पैमाने पे चिकित्सक हो, ये इनकी लापरवाही के प्रकरण अक्सर सामने आते रहते हैं। हालांकि अभी यहाँ के CMO इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और देखना होगा कि आगे CM की तरफ से इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका। संभल में कोतवाली क्षेत्र ग्राम सहरिया के अब्दाल नगर में रहने वाले गफ्फार इब्राहिम का बेटा जुनैद कुछ रोज पहले लापता हो गया था, जिसके 3 दिन बाद जुनैद मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्यवाही न होने से आहत होकर पीड़ित परिवार पलायन करने को मजबूर हो रहा है। प्रयागराज में कौंधियारा विकास खंड में सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए दिव्यांग एक पैर पर ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर लगा रहा है। बातचीत में दिव्यांग व्यक्ति ने बताया कि विकास खंड कौंधियारा में कई महीने से सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर लगा रहा है। इसके साथ ही और कई गाँव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कौंधियारा ब्लॉक में क्या करने के लिए आए हुए हैं? हम यहीं से आए हैं कि साइकिल की हमको आवश्यकता है, बैटरी वाली साइकिल नहीं मिली है, कुछ हम लाभ नहीं पा रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है। क्या आप दिव्यांग हैं? हाँ, दिव्यांग हम हैं। सर्टिफिकेट आपका बना हुआ दिव्यांग? हाँ, हम बना हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? जो कन्हई निवारी।
औरैया जिले से है, जहां पर सीआईएसएफ की फायर कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान सीआईएसएफ की भर्ती में दौड़ के बाद कई छात्र बीमार पड़ गए, यहां तक कि एक लड़के की दौड़ के दौरान मौत भी हो गई। इसको देखते हुए सीआईएसएफ के उच्चाधिकारियों ने छात्रों की फिजिकल दौड़ से पहले चेकिंग की और साथ ही उन छात्रों के पास इंजेक्शन और दवाइयाँ भी ली। जनपद प्रयागराज के अतरसुईया थाना क्षेत्र के रानी मंडी मोहल्ले में घर के अंदर महिला का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसएसपी समेत पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि महिला ने आग लगाकर हत्या की। हालांकि पुलिस ने मौत का सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अतरसुईया क्षेत्र में रानी मंडी चौकी एरिया पड़ता है, वहाँ पे चौरसिया मार्केट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ पास के ही एक बंदशुदा मकान के बरामदे में एक बर्न्ट बॉडी मिली थी। प्राप्त जानकारी के बाद तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुँची, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ आई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो अभी तक ऐसा प्रतीत होता है वो सुसाइड का मामला प्रतीत होता है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य तथ्यों की जाँच की जा रही है। हाँ, पहचान हो गई है, उनकी पहचान हो गई है, नाम बताना सही नहीं रहेगा। औरैया में शहर कोतवाली के जैतपुर में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शख्स अपनी बीमार बकरी को डॉक्टर को दिखाने गया था, जिसके बाद घर न पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढूंढना शुरू किया। बता दें कि गांव से पहले एक कुएं में शव मिला है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। इसी में हमारे साथ जाहिद जुड़ रहे हैं। कुएं में एक शव मिला है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? शायद कुएं में एक शख्स का शव मिला है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किसका था, क्या था ये शव, मतलब किसका शव था ये? जी आपको बता दूं कि ये शहर कोतवाली के जैतापुर के पास एक गांव में एक बुजुर्ग का शव मिलता है। वहीं बताया जाता है कि ये रात में कल शाम को बकरी का इलाज कराने के लिए और ये आया हुआ था, पर जब शाम को घर वापस नहीं आता तो वहां से लोगों परिजनों द्वारा उनके पुलिस को सूचना दी जाती है, तो अज्ञात कारणों के चलते पुलिस उसमें मुकदमा दायर कर लेती है। उसके बाद उनकी तलाश की जाती है, पर आज सवेरे ही उनका शव कुएं में पाया गया है। तो वहां पर वो ग्रामीण लोगों ने उनकी सारी लोगों को सूचना दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया। वही शिव सिटी का कहना है कि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उस आगे कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद आपका। बुलंदशहर के सूजापुर धमेड़ा किरत में करंट की चपेट में आने से किसान के जानवर को करंट लग गया। जानवर को करंट लगने से जानवर की मौत हो गई। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग ने फुर्ती नहीं दिखाई है। यहाँ पे नहर लेने आया, सुबह के टाइम में नहर लेने जाते हैं डेली। यहाँ पे जो 11 की लाइन आ रही है, बिजली उतर देती है। यहाँ पे कई बार हमने शिकायत भी करी है इसकी, इस तार को सही करवा दो, पर इसे कोई सुनता नहीं है। हेडल वाला और यहाँ बुक लेके जा रहा है, कटरा का हमारा मुँह लग गया इससे, गलती से इधर घूम गया तो कटरा मर गया, हमारे बिजली ने पकड़ लिया। तो कई लोग सवार थे बुग्गी में जब ये करंट, 4 लोग थे और हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, वरना हमारे बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।